हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में आपको एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ, ठीक है। बहुत ही आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशल एनटीपीसी बैच के बारे में, ठीक है। स्पेशल एनटीपीसी बैच के बारे में बात करेंगे, जिसका एग्ज़ाम अभी आपको 15 दिसंबर 2020 को अनाउंसमेंट किया गया है आरआरबी के थ्रू, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, हम क्या करेंगे, एक बैच बना रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको स्पेशल एनटीपीसी टीच किया जा सके, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, ठीक है। और ऐसे टीचर आपको पढ़ाएंगे जो खुद रेलवे में सिलेक्टेड हो चुके हैं, एएलपी के पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू आपको कुछ एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, कैसे करना है, ठीक है, कितने टाइम में करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये करना है। तो ये सब चीज़ें आप डिस्कस करेंगे उनके माध्यम से, ठीक है। तो वो आपको वेल एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरीके से आपको अच्छे से स्टडी करनी है इन 3 मंथ में, बिकॉज आज आपको पता है कि आज आपको 16 सितंबर 2020 हो चुका है, ठीक है, और आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम रह गया है। और अगर आप ये देखेंगे 3 मंथ्स, तो ये भी आपके लिए कमी है, ठीक है, क्योंकि आप 2 मंथ अच्छे से तैयारी करेंगे और लास्ट के 1 मंथ में आपको टेस्ट सीरीज करना होता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन उस टेस्ट सीरीज को करने से पहले आपके टॉपिक भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता ही होगा सिलेबस आपको एनटीपीसी का, कि आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है, रीजनिंग आपका 30 मार्क्स का होगा, मैथ आपका 30 मार्क्स का होगा, एंड जनरल अवेयरनेस आपका 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे 100 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब जनरल अवेयरनेस आपका ब्रॉड है, जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको इसमें फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, जीके पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है 40 मार्क्स के लिए, बट आपके पास जो रीजनिंग एंड मैथ्स है 30 30 मार्क्स के लिए, ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया तो 60 मार्क्स आपके ये क्लियर हैं। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस में आपने पॉलिटी के 2 3 नंबर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से बेस्ड होते हैं वो आ जाते हैं, तो इतने ही टॉपिक आपके आने हैं। आपको ऐसा टॉपिक बताया जाएगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट के व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, मीन्स ऐसा नहीं कि ब्रॉड तो है बट ऐसा नहीं कि आपको पूरा बेसिक से लेकर एकदम लास्ट तक बताया जाएगा, नहीं, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको वही टॉपिक बताया जाएगा। तो मैथ्स जो कराएंगे आपको, मैथ एंड फिजिक्स, ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स के लिए स्पेशल आपको पढ़ाएंगे सुनील सर, ठीक है, जो कि इस टाइम पर एलपी में सेलेक्टेड हैं इलाहाबाद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्योंकि ये सिलेक्टेड है वो भी रेलवे में ही, तो आपको बता पाएंगे कि रेलवे के एग्जाम, रेलवे के पैटर्न, रेलवे के क्वेश्चंस, ठीक है, किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की अपनी, ठीक है, कैसे इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया, तो ये सब चीज़ें आपको गाइडेंस मिल जाएगी सर की तरफ से, ठीक है। तो मैथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है अभी आपको, कॉन्सेप्ट में आपको क्या सीखना है, सिर्फ ट्रिक सीखनी है, ठीक है, किस तरीके से। अब ट्रिक आप कब सीखेंगे, जब आपको थोड़ा सा बेसिक भी आता होगा, ठीक है। तो बेसिक से लेकर ये आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट के वो क्लियर करते हुए ट्रिक पर जाएंगे वो आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो मैथ और फिजिक्स कवर करेंगे सर लास्ट में, इसके बाद जीके भी देख लेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, यहाँ से भी आपके, अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करते हैं, तो फिजिक्स जिस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी अब क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाने लगे हैं। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया, ठीक है, तो अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, आपने हिस्ट्री छोड़ दी है, ठीक है, बट आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपने कर ली, आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, आपने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, ठीक है, और आपने जीके पढ़ लिया, मैथ एंड रीजनिंग पढ़ ली, तो आपका क्लियर होना ही होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है स्पेशल एनटीपीसी बैच में, जो कि आज से ही आपका स्टार्ट हो रहा है। आप वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप शेयर करेंगे तो दूसरों की केयर करेंगे, दूसरों तक वीडियोज़ पहुँचेगी, वो भी इस चीज़ को देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, और पूरी होप के साथ, उम्मीद के साथ आपको पढ़ाएंगे। और ये 100% श्योरिटी तो नहीं कहेंगे, बट अगर हाँ, हमारी तरह जिस तरीके से हम मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये टॉपिक डिस्कस कर दिया जाए, ये कवर हो जाए, ठीक है, तो जितना हम कवर कराते चल रहे हैं उतना आप अगर करते चलेंगे तो आपका सिलेक्शन
एनटीपीसी के लिए 100% श्योर हो जाता है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है अपना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स हैं और जिस तरीके से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है, तो एक अगर आपको एक होप दिख रही है, एक उम्मीद दिख रही है, तो आप इस चीज़ के लिए तैयारी अच्छे से कर लें, ठीक है। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रखना है कि अभी अभी तैयारी नहीं हुई है या फिर नहीं हो सकती है, ठीक है। आपकी तैयारी हो भी सकती है बिकॉज आपके पास अभी 3 मंथ्स हैं, ठीक है। अगर आप दिन रात मेहनत करें तो आपकी तैयारी 100% हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर दिया है आपको कि किस तरीके से पढ़ना है। हाँ, डेली आपका मैथ का, ठीक है, और फिजिक्स का डेली कंटेंट आपको मिलेगा, डेली सर पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ और फिजिक्स आपका डेली चलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की वीडियो अपलोड हो चुकी है और जितने भी रिमेनिंग रह गए हैं वो मैं टॉपिक भी कवर कर दूंगी। उसके बाद एक स्पेशल बैच चला दूंगी इसके लिए कि जितने टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, कंप्लीट बायोलॉजी जितनी हो चुकी है, जो जो क्वेश्चन आते हैं उन पर एक बार डिस्कशन हो जाएगा मैराथन क्लास की तरह, ठीक है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं और वीडियोस आपके जो पॉलिटी के हैं और ज्योग्राफी के हैं वो भी पैरेलल में अपलोड होते रहेंगे। तो सिर्फ आपको सारे कंटेंट हम दे रहे हैं, जीके आपको लास्ट में देंगे, बिकॉज जीके क्या होता है कि जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला होता है तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड है आपका, जो भी जीके है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल करंट अफेयर्स हैं, तो ये सब आपका दिया जाएगा आपको लास्ट, जैसे कि आपके पास 2 मंथ्स रह गए हैं तब। तो अभी 1 मंथ आप पर फोकस किया जाएगा इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो बाकी सर आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या कैसे अपना एक्सपीरियंस करेंगे। आप देखते रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। उम्मीद हमारी यही है कि आपका रिजल्ट 100% आए, ठीक है। तो मिलते हैं अब क्लास के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ और नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं स्पेशल एनटीपीसी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।